हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाला हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और उसमें हमारा लेसन नंबर 10 वो विल बी अ नाइटिंगू। ठीक है, चलो देखते हैं। उसमें अ किंग इज कॉल्ड नाइटिंगथु एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लेमा इन मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर है, उसमें एक किंग था जिसका नाम था नाइटिंगथु एंड जो उसकी एक क्वीन थी, ठीक है, उसका नाम था लेमा, और दोनों ही मणिपुर है उसमें रहते थे। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट वॉट अ क्वालिटीज मेक अ गुड रूरल। ठीक है, तो ये मणिपुर की स्टोरी है जिसमें हमें ये बताते हैं कि एक अच्छा राजा बनने के लिए कौन से जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, ठीक है, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए, वो उसी के हमें आज डिस्कस करना है। चलो देखते हैं, रीड एंड एंजॉय में। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ द कैंगलीपिक इन मणिपुर देयर लाइव अ नाइटिंगथु एंड लेमा, दे वेयर लव्ड डियरली बाय द पीपल। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है कि कैंगलीपिक है, ठीक है, जो मणिपुर में आया हुआ है ना, वहाँ पे नाइटिंगथु एंड लेमा दोनों रहते थे और लोग भी उन दोनों को बहुत ही पसंद करते थे, ठीक है, दोनों को बहुत ही प्रेम करते थे। आगे देखते हैं, नाइटिंगथु एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम देयर पीपल, अवर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड। अब क्या होता था कि नाइटिंगथु एंड लेमा है ना, वो हर टाइम यही सोचते रहते थे कि उसकी जो मियाम है यानी कि उसकी जो प्रजा है ना, वो हमेशा खुश रहे, ठीक है, और वो भी दोनों यही कोशिश करते थे। द पीपल वेर नॉट ओनली द वन हु लव्ड देयर नाइटिंगथु एंड लेमा, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स टू लव्ड देम, दे नाइटिंगथु एंड लेमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कैंगलीपिक शुड लाइव इन पीस, नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड एनिमल्स एंड द ट्री। और जो लेमा और नाइटिंगथु है ना, ठीक है, वो दोनों कहते हैं कि सिर्फ हमें लोग ही प्यार नहीं करते और हमें लोगों को भी प्यार नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, जो ट्रीज है ना, उसको भी हमें लव करना चाहिए। आगे देखते हैं, देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड थ्री सन्स, सनाजोबा, सनायामा एंड सनतोबा। ठीक है, तो जो किंग और किंग जो क्वीन थे, ठीक है, यानी कि जो नाइटिंगथु एंड लेमा, इन दोनों को तीन बच्चे थे, ठीक है, तीन लड़के थे, तीनों का नाम है सनाजोबा, ठीक है, सनायामा एंड सनतोबा। ठीक है, आगे देखते हैं, 12 ईयर लेटर अ डॉटर वॉज बॉर्न, सी वॉज नेम्ड सनातोम्बी, she was a lovely child, soft and beautiful inside, she was lovely loved by one and all। अब क्या था कि ठीक उससे 12 साल बाद उसको एक बेटी हुई जिसका नाम था सनातोम्बी। ठीक है, तो उसकी एक बेटी थी और वो बहुत ही प्यारी थी, ठीक है, वो अंदर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी और सब लोग उसको बहुत ही सारा प्यार करते थे। द ईयर वेंट बाई एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल एंड देन वन डे द नाइटिंगथु कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर एंड सेड इट वॉज नाउ टाइम टू डिसाइडेड द टुंगी नाइटिंगथु द फ्यूचर किंग। अब क्या था कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, उसी तरह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं ना, वो बड़े होते गए और एक दिन क्या हुआ कि नाइटिंगथु ने उसके सारे मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि अब टाइम आ चुका है कि मैं एक फ्यूचर किंग है, उसको डिसाइड कर लूँ, यानी कि टिंगली नाइटिंगथु यानी कि फ्यूचर किंग। बच्चों, ये स्टोरी मणिपुर की है, इसीलिए ऐसे वर्ड हमें आएंगे स्टोरी में, ठीक है, जैसे कि टिंगलिंगथु है जिसका मतलब होता है फ्यूचर किंग। आगे देखते हैं, द मिनिस्टर वेर शॉक्ड बट ओ नाइटिंगथु व्हाट इज दैट टू डिसाइडेड, सनोजोबा यू आर द ओल्डेस्ट will be our future king. Well, Nightingale replied, that's how it is happened in the old days. The eldest son always become the king, but times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. अब क्या था कि मिनिस्टर भी सारे शॉक्ड हो गए थे कि अभी ये डिसाइड करना जरूरी है, तो कई सारे मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि जो सनोजोबा है, ठीक है, यानी कि आपका जो बड़ा बेटा है ना, वही राजा बनेगा। लेकिन नाइटिंगथु ने कहा कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये तो बहुत ही पुराने टाइम है कि जो बड़ा बेटा है वो ही राजा बनता है, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है, इसलिए हमें सब बच्चों को इक्वल ही चांस देना चाहिए।
वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग द लेमा से। और लेमा ने कहा कि हमें एक कॉन्टेस्ट रखना चाहिए, एक मैच रखना चाहिए, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम ये बता सके कि अच्छा जो किंग है ठीक है वो कौन बनेगा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगलीपाइक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस हूएवर रीच द कोंगन द बनियान ट्री द फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर टुंगी नाइटिंगत्तू। अब क्या था कि दूसरे ही दिन ना वहाँ पे एक जो हॉर्स राइडिंग है ना उसका कॉन्टेस्ट रखा गया था कि जो भी कैंगलीपाइक से लेके जो कोंगन है ठीक है जहाँ पे बनियान ट्री है ग्रो हुआ चुका है ठीक है वहाँ पे जो भी पहले पहुंचेगा ना उसी को फ्यूचर किंग बना दिया जाएगा। सनजोबा सनियामा एंड संतोम्बा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। अब क्या था कि तीनों बच्चे ना यहाँ पे एक ही साथ रेस पे फिनिश में पहुंच गए थे, यानी कि तीनों बच्चे ने एक ही साथ ना रेस कंप्लीट कर ली थी। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. There was a great excitement look at them. The people shouted, Sangol, Thamba, Nupa, such fine horsemen. अब क्या था कि वो तीनों बच्चे हैं ना वो बहुत ही अच्छे जो horse rider है ना वो थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक ही time पे पहुंचे, साथ साथ ना लोग भी है ना वहाँ के जितने भी देखने वाले आए थे वो भी एक्साइटमेंट में थे कि किसको अब जो किंग है फ्यूचर किंग है वो बनाया जाएगा ठीक है। और तीनों की जो हॉर्स राइडिंग है वो देख के सब लोग तालियां बजा रहे थे ठीक है, जो शोर है वो मचा रहे थे। आगे देखते हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन हु वुड बी द टोंगली नाइटिंगत्तू। द नाइटिंगत्तू एंड द लेमा टर्न टू देयर सन्स ठीक है। द नाइटिंगत्तू सेड सनाजोबा सनियामा एंड सनोतोबा यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। सो समथिंग डिफरेंस ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइडेड हु विल बी टुंगली नाइटिंगत्तू। अब क्या था कि अब ना जो नाइटिंगत्तू है ना वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि तीनों बच्चों से कहा कि तुम सब लोग ने तुम तीनों ने ये साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छे घुड़सवार हो ठीक है, अच्छे हॉर्स राइडर हो, लेकिन अब हमें ना जो फ्यूचर किंग यानी कि जो टुंगी नाइटिंगत्तू ढूंढना है ना तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप में कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी जो फ्यूचर किंग में होनी होती है ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सडनली द सनोजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम ही लुक्ड अराउंड देयर वाज अ हश अमंग पीपल व्हाट इज सनोजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू दे थॉट टू देमसेल्व्स। सनोजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगन नन स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस ही Paced the tree and jumped his horse right through it. The bravo, bravo people shouted, "Thauro, Thauro!" And then they fell silent. अब क्या था कि ऐसा सुनते ही जो नाइटिंगत्तू ने कहा था ना तो ऐसा सुनते ही क्या हुआ कि जो बड़ा बेटा है ना सनोजोबा ठीक है उसने क्या किया, उसने जो स्पीयर यानी कि जो भाला होता है ना वो उठा लिया और घोड़े पे बैठ के इधर उधर देखने लगा। तो सारे लोग ना टेंशन में आ गए कि ये क्या करने वाला है ठीक है, ये बड़ा बेटा है वो क्या करने वाला है। और फिर क्या हुआ कि सनोजोबा के सामने एक बड़ा सा ट्री आ गया था ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने अपना स्पीयर चला के ट्री को गिरा दिया और इतना तेजी से वो वहां से निकला कि जो पूरा ट्री है ना उसने कूद गया आराम से ठीक है, हॉर्स की मदद से वो कूद गया। आगे देखते हैं, और वहां पे इतना सीन होते ही क्या हुआ कि जो पीपल है ना वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और वापस कहने लगे कि बहादुर है वो, ब्रेवो ब्रेवो ठीक है, मतलब कि बहुत ही बहादुर है ऐसा। आगे देखते हैं, नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द सेकंड सन द सनियामा, व्हाट वुड ही डू। सनियामा टू लुक एट द कोंकण एज ही माउंटेड हिज हॉर्स देन ही टूक टू रोड टुवर्ड द ट्री हार्डर एंड हार्डर। द पीपल वॉच इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू
ब्रेथ. व्हेन ही वाज रियली क्लोज ही अर्ज हिज हॉर्स टू जंप हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल द रोर्स एंड द राइडर जंप्ड क्लियरली ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन द वंडरफुल मोशन. अब क्या था कि दूसरा जो बेटा है ना सनयामा, उसने भी सेम इसी तरह से किया जिस तरह से उसके बड़े भाई ठीक है सनोजाबा ने किया था, उसी तरह से किया. उसने भी अपना होर से बहुत तेजी से भगा और पूरा जो ट्री है ना उसको आराम से पार कर लिया. और सारे के सारे जो लोग हैं ना वो ये देख के बहुत ही एक्साइटेड होने लगे थे और उसको भी वो भी साइलेंट मोड में देख रहे थे कि ये किस तरह से हो रहा है. ठीक है तो पीपल ब्रेथ इन द रिलीफ एंड सेड इन द यूनिसन द फजई फजई वंडरफुल वंडरफुल. नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सनातोंबा. He too rode his horse toward the Konganang and before anybody knew what was happening, approached it. Triumphantly, he carried the tree to the Nightingatu and Lema and laid it at their feet. Shouted of the Thaurau Thaurau Fajai Fajai filled the mountains. अब क्या था कि तीसरा जो बेटा है ना ठीक है सनातोंबा, उसने क्या किया कि जो सनातोंबा है उसने वापस दोनों भाइयों की तरह जो हॉर्स का क्रॉसिंग है वो कर लिया और फिर क्या किया कि उस ट्री को उखाड़ के जो लेमा और नाइटिंगेल बैठे हैं ना उसके पास खड़ा कर दिया और वापस जो ट्री है ना वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह सका इसलिए गिर गया. ठीक है और सारे के सारे जो लोग हैं ना वो कहने लगे कि क्या बहादुरी है. ठीक है मतलब कि तुम्हारी जय हो ऐसा करने लगे. आगे देखते हैं द पीपल ग्रीव रेस्टलेस वाई वेयर द नाइटिंगेल एंड द लेमा टॉकिंग सो लॉन्ग टू मेक अ अनाउंसमेंट. और जो पीपल है ना वो भी सोच रहे थे कि लेमा और जो नाइटिंगेल है वो दोनों इतना डिसीजन लेने में क्यों टाइम लगा रहे हैं. ठीक है क्यों जल्दी से अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं. दे क्रेन देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग. द नाइटिंगेल एंड लेमा वेयर वॉचिंग द सनातोंबी देयर फाइव ईयर ओल्ड डॉटर. अब क्या था कि उन दोनों की अचानक एक जो नज़र है ना वो उसकी जो बेटी है 5 साल की बेटी ठीक है सनातोंबी उसके ऊपर गिरी. ठीक है जो अब तक 5 साल की हो चुकी है. आगे देखते हैं सी लुक्ड एंड लुक्ड सैड एंड लोनली सी स्टार्टेड एट द कोंकणगन व्हिच ले डेड बाय द थ्रोन बर्ड फ्लैप वरिडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. सनातोंबी वॉक अप टू द कंकन एंड विस्पर्ड द कंकन इज डेड इट वॉज हर्टेड बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड. अब क्या था कि उसकी जो 5 साल की बेटी है ना वो बहुत ही उदास और अकेली लग रही थी. ठीक है उसको भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ऐसा सबको लग रहा था. और फिर जब लेमा और नाइटिंगेल आए ना तो वो पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि ये जो ट्री है ना उसको बहुत सारे भाले मार के ठीक है यानी कि स्पीयर मार के उसको जख्मी कर दिया गया है और अब तो वो मर भी गया है ऐसा वो छोटी बच्ची कह रही है. तो पीपल वेयर ऑल अटेंशन द नाइटिंगेल स्टॉप्ड स्टूड अप ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल ही टर्न टू द पीपल इफ एनीबडी इज वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूडल He said, "It is a little Sanatombi. It was she who told us to look at the soul of the Konkan. Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animals and the birds in the tree." अब क्या होता है कि नाइटिंगेल वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सिर्फ जो सनातोंबी है ना उसी को उसी ने ये जो ट्री है उसका पेन है वो जाचा है. ठीक है उसी को पता चला है जो एनिमल से जो बर्ड से उसी का जो पेन है वो बता सकता है. ठीक है और वही जानती है. तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि यही जो सनातोंबी है ना वही एक अच्छा रूरल बनने के लिए योग्य है. ठीक है आगे देखते हैं आई डिक्लेयर द सनातोंबी द फ्यूचर लेमन ऑफ द कैंक्लिपिक एंड द नाइटिंगेल सेड अ साइलेंस फेल. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood, all of the five like a small konkan, with the bird flying all the around her. They sat on her shoulder and on her head. She held out her
हैंड्स फुल ऑफ द ग्रेन्स एंड ऑल बर्ड्स फ्लैप अबाउट हर पिकिंग एट द फूड. लेमा इज वन हु डोंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम. अब क्या था, ये जो सना तोम्बी है ना, वो फ्यूचर क्वीन बन चुकी थी, ठीक है, और सारे के सारे लोग वो साइलेंट में चले गए थे, और ये जो 5 साल की छोटी बच्ची है ना, उसके सामने देख रहे थे कि ये किस तरह से क्वीन बन चुकी है. ठीक है, फिर क्या हुआ कि उस बच्ची ने अपने हाथों में थोड़े से ग्रेन्स लिए, और जो बर्ड्स है वो रो रहे थे ना, ठीक है, उसको अपना जो घर है वो नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए क्या हुआ कि जो सना तोम्बी है ना, उसने फूड देने की कोशिश की. और लेमा भी एक ऐसी क्वीन थी जो नहीं चाहती थी कि अपने जो उसका जो राज्य है मणिपुर, ठीक है, उसमें कोई भी हर्ट हो. ठीक है, और इसी तरह से हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू.